अब हम लोग बात करते हैं, आज का जो चैप्टर है वो है सेमी कंडक्टर एंड डिवाइसेस, सेमी कंडक्टर एंड डिवाइसेस। देखिए चैप्टर में से इतना सा काट के निकाल दिया गया है, बस इतना सा छोड़ दिया गया है ना, बस इतना सा छोड़ दिया गया ना। तो चैप्टर तो बहुत अपने आप में एक बहुत बेहतरीन चैप्टर था एक जमाने में, सेमी कंडक्टर एंड डिवाइसेस। काट पीट के एकदम छोटा सा दे दिया गया कि लो खिचड़ी खा लो, दाल भात चोखा मिला के सही हो जाएगा, है ना। तो बहुत सिंपल है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कंडक्टर क्या होता है। व्हाट इज कंडक्टर? जो बस की पहली सीट पे बैठा होता। एक बच्चे का एक जमाने में हमने जवाब सुना था, व्हाट इज कंडक्टर? सर जो बस की पहली सीट पे बैठा होता, जो कहता है बगलट बगलट साइडेट साइडेट, उसको हम कंडक्टर कहते हैं, है ना। क्यों उसको कंडक्टर कहते हैं? सोचा था, अगर हम फिजिक्स में देखें तो कंडक्टर वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन उसको कंडक्टर क्यों कहा गया था? कुछ तो कारण होगा, तो उस कारण को हम लोग बाद में भी सीखेंगे, थोड़ा सा बता देंगे क्यों ऐसे उसका नाम कंडक्टर रखा गया। तो व्हाट इज कंडक्टर? बेसिक डेफिनेशन जो आप लोग जानते हैं, द सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और द सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रिसिटी पास इज कॉल्ड कंडक्टर। दूसरा है इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या है? द सब्सटेंस विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और द सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रिसिटी डजंट पास इज कॉल्ड इंसुलेटर। और तीसरा था इनके बीच वाला जिसका नाम था सेमी कंडक्टर, द सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रिसिटी पार्शियली पास, पार्शियली मतलब समझ लो थोड़ा बहुत, उसको हम क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर। इन तीनों का डिफरेंस पूछा एग्जाम में जाता है, लेकिन ऐसा डिफरेंस नहीं पूछा जाता ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसके आधार पे तीन नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन सेमीकंडक्टर कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, तो बहुत इजी हो गया, आपको तुरंत एक लाइन में समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज सेमीकंडक्टर। बच्चों व्हाट इज सेमीकंडक्टर? द कंडक्टर, द कंडक्टर, यह कंडक्टर है नहीं। सेमीकंडक्टर क्या है? द सब्सटेंस हूज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में इसकी कंडक्टिविटी लाई करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर। हमारे एनवायरनमेंट में जो सेमीकंडक्टर है वो दो तरीके से पाए गए हैं, एक एलिमेंटल फॉर्म में, एलिमेंट के फॉर्म में, और दूसरा कंपाउंड फॉर्म में। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, एनवायरनमेंट में हमारे जो सेमीकंडक्टर है दो तरीके से पाया जाता है, एलिमेंट के फॉर्म में भी और कंपाउंड के फॉर्म में। तो पहले वाले को बोलते हैं एलिमेंटल फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, दूसरे वाले को बोलते हैं कंपाउंड फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। सर सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर, बड़ा सुना सेमीकंडक्टर, ये है क्या, यूज होता क्या है? पहला हम बेसिक ये जान, सिंपल सी बात है, अगर ये सेमीकंडक्टर हमारे जीवन से निकाल दिया जाए तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है ना हमारे दुनिया से गायब हो जाएंगे, क्योंकि जो भी ट्रांजिस्टर है, आईसी है, ये सब किससे बने हुए हैं? सेमीकंडक्टर से बने हुए हैं ना। जो ट्रांजिस्टर आजकल आप लोग लगा रहे थे ना, वो लाइट बना रहे थे, सेंसिटिव डार्क अलार्म बनाए थे, अभी सब ट्रांजिस्टर यूज किया है, या आईसी, बड़े बड़े आईसी होते हैं, आपने देखा होगा, अभी आईसी दिखा दूंगा कैसा होता है। प्रोसेसर जो होता है आजकल कंप्यूटर में लग रहे हैं, या मोबाइल फोन प्रोसेसर है, वो आईसी बोलते, वीएलएसआई बोलते उसको, तो वो सब किसके बने होते हैं? सेमीकंडक्टर से। अगर वो नहीं होता तो क्या होता? सोचो, कंप्यूटर नहीं होता, कंप्यूटर नहीं होता तो बड़े बड़े मशीन जो कंप्यूटर से ऑपरेट होते वो नहीं होते, है कि नहीं? आजकल जो भी इलेक्ट्रॉनिक मतलब डिवाइसेस है, मोस्टली किससे, किसके बेस्ड है? आईसी या ट्रांजिस्टर बेस्ड है। तो अगर समय कंडक्टर नहीं होता तो वो भी गायब हो जाता। तो हम लोग बहुत पुराने जमाने में जीने लगते, है कि नहीं? तो ये समय कंडक्टर हमारे डेली लाइफ में बहुत 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 यूज होता है। ठीक है, तो ये दो फॉर्म में पाया जाता है, मैंने पहले बताया एनवायरमेंट में दो फॉर्म में पाया जाता है, एलिमेंटल फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। एग्जांपल आप लोग जानते होंगे एलिमेंट के फॉर्म में जो पाया जाता है, उसमें है सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक एंड सो ऑन। ठीक है, कंपाउंड फॉर्म में क्या पाया जाता है? कंपाउंड फॉर्म में भी कुछ एग्जाम्पल है आपके पास, कंपाउंड फॉर्म में भी सेमीकंडक्टर पाया जाता है, उसमें बड़ा फेमस है गैलियम आर्सेनाइड गैस, इंडियम फॉस्फाइड, इंडियम फॉस्फाइड, ये इंडियम फॉस्फाइड कहां यूज होता है? ये एलईडी बल्ब वगैरह जो बना रहा है, ये बल्ब नहीं है,
ये एलईडी बल्ब नहीं है, ये आपके पास किससे बना हुआ है? ये सब आपके पास, हाँ सेमीकंडक्टर। ठीक है बच्चों, तो हमारे एनवायरनमेंट में सेमीकंडक्टर कितने फॉर्म में पाए जाते हैं? दो फॉर्म में। कौन कौन सा? एलिमेंटल एंड कंपाउंड फॉर्म में। ठीक है, एलिमेंटल फॉर्म में तो दिख गया सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, बहुत सारे। और कंपाउंड फॉर्म में गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड, और भी बहुत सारे आपके पास कंपाउंड फॉर्म में पाए जाने वाले हमारे पास सेमीकंडक्टर्स होंगे। उनमें से मैं कुछ नाम और बता देता हूं आपके पास, लेड क्लोराइड, फिर आपके पास कुछ और है कैडमियम सल्फाइड, लेड सल्फाइड, इंडियम एंटीमोनाइड, इंडियम फॉस्फाइड, जिसको भी हमने बताया है, ये सब आपके पास कंपाउंड फॉर्म में पाए जाने वाले सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो इसका भी पूछा नहीं जाता कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, फलाने क्या होता है, ठिकाने क्या होता है, ये सब कतई नहीं आता एग्जाम में। बस याद रखिए कि ऐसा कुछ होता था। अब बात करते हैं जो हमारे एग्जाम में आएगा, जिसको हम बोलते हैं बच्चों एनर्जी बैंड डायग्राम। समझने का प्रयास करिए, एनर्जी बैंड डायग्राम, कोशिश करिएगा समझने के लिए। देखो बच्चों, नीचे ये क्या है आपके पास, इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड। इसको क्या बोलते हैं? वैलेंस बैंड। थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, समझ में आ जाएगा तो बड़ा मजा आएगा, ये बहुत इजी है, समझ में आसानी से आ जाएगा। चलिए मैं इसको बुला लेता हूं इधर, ये हो गया आपके पास वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में क्या होता है बच्चों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे होते हैं, जैसे बहुत सारे, इस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या भरी होती है। और वैकेंट स्पेस, वैकेंट स्पेस को हम लोग बोलते हैं बच्चों होल, आगे हम लोग पढ़ेंगे, वो बहुत कम होती है। ठीक है, दूसरा एक एनर्जी लेवल, ये एनर्जी लेवल है वैलेंस बैंड, क्या है एक एनर्जी लेवल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा हो। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा होती है। और दूसरा एक और बैंड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड, ध्यान से समझिएगा, कंडक्शन बैंड। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है बहुत कम होते हैं और जो वैकेंट स्पेसेस है वो ज्यादा होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। इनके बीच में भी एक एनर्जी लेवल है, एनर्जी गैप है, इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, ईजी। इसको क्या बोलते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप, FORBIDDEN, फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब समझने का प्रयास करेंगे, बहुत आसानी से हम आपको समझाते हैं, समझ में आपको आसानी से आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। क्या था वैलेंस बैंड में? क्या था? इलेक्ट्रॉन्स होंगे बहुत सारे। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत कम होगी, रेयर ऑफ रेयरेस्ट होगी या ना होगी, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, होल्स ज्यादा होगा, होल्स मींस वैकेंट स्पेसेस ज्यादा होगा, और इनके बीच में ये एनर्जी गैप है। अब बच्चों, कंडक्टर में क्या होता है, इंसुलेटर में क्या होता है, और सेमी कंडक्टर में क्या होता है? ठीक है, समझने का पहले प्रयास करते हैं। इसी के आधार पर आपको डिफ्रेंशिएट करना है कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। अब ये इलेक्ट्रिसिटी अगर कंडक्ट करना है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको कोई भी मान लेते हैं वो कंडक्टर है, कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है? क्योंकि वहां जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से कहां पहुंच जा रहे हैं? कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन पहुंच गया तब तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। अगर ये वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो ये एनर्जी गैप क्रॉस नहीं कर पा रहा है, कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता भी होगा कि कभी कभी इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता होगा और कभी कभी इलेक्ट्रॉन नहीं जंप कर पाता होगा, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी पार्शियली कंडक्ट हो रहा होगा। तीनों समझ में आ रहा होगा कहानी थोड़ा थोड़ा। इसका मतलब इंसुलेटर में बताओ, क्या ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंचता है कि नहीं? इंसुलेटर में नहीं करता है, यहीं कहीं अटक जाता है बीच में ही, है कि नहीं? एनर्जी गैप इतना बड़ा हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी गैप को क्रॉस ही नहीं कर पाता। ठीक है, इस वजह से वहां इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। अच्छा ये बताओ, कंडक्टर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता होगा, इसका मतलब हाँ करंट फ्लो करता होगा। ठीक है, सेमी कंडक्टर में क्या होता होगा? सेमी कंडक्टर में क्या होता है? कभी कभी पहुंच जाता होगा, कब पहुंचता होगा पहला क्वेश्चन ये है, और कैसे पहुंचता होगा? तो हमको इस जो वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको मुझे एक्साइट कराना पड़ता है।
कूदेगा तभी तो यहां पहुंचेगा। तो एक्साइट कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर आपको एक्साइट कराना है, आपको बहुत ज्यादा खुश करना है, तो क्या करना पड़ेगा? आपको एनर्जी देना पड़ेगा। एक एक लाख, दो दो लाख रुपए सबको दे दे, ला करके लो, तुम भी 1 लाख, तुम 2 लाख, तुम 10 लाख, तुम 20 लाख। एक्साइट हो जाओगे कि नहीं? कूदने लगोगे, उछलने लगोगे, फिर पता चला ऐसे निकल के जाके बाहर पार्टी करोगे। तो वही काम यही करता है। यहाँ जैसे हम हीट देते हैं या किसी अदर फॉर्म ऑफ लाइट देते हैं, कि कोई भी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी देते हैं, तो वैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइट होने लगते हैं, कूदने उछलने कूदने लगते हैं, और इतना उनको एनर्जी मिल जाता है कि वो अगर कंडक्शन बैंड तक पहुंच जाते हैं तब तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। लेकिन अगर आपको एनर्जी हम वही 10 रुपए दे दें, 5 रुपए दें, 1 रुपए दें, तो आप खुश तो हो गए लेकिन बहुत ज्यादा खुश नहीं होंगे, है ना। 1 रुपए इनको मिली एनर्जी, लेकिन यह क्या कंडक्शन बैंड तक पहुंच पाया? नहीं पहुंच पाया। लेकिन इनको अगर हम 1 करोड़ दे दें तो बहुत एक्साइटेड हो गया, हाँ तुरंत तुरंत पहुंचेगा, पहुंचेगा ना। तो यही काम आपके पास किसके अंदर होता है? सेमीकंडक्टर के अंदर होता है, कि ये जो वैलेंस बैंड के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन है, इनको इतना सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दे, हीट दे दे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक एनिमेशन, हीट दूंगा तो एक्साइट होता है, लगता है इधर उधर खूब उछलने कूदने। क्यों? क्योंकि हीट देते ही हम लोग गलती से कभी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था कि उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, और इंटरनल एनर्जी बढ़ने की वजह से वो एक्साइट होने का प्रयास करता है। एनर्जी मिलने के बाद वो एक्साइट होता है और हो सकता है मे बी वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए। जैसे ही कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना स्टार्ट कर देता है। तो ये छोटा सा कहानी था एनर्जी बैंड डायग्राम का। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो मैं एक फिगर दिखाता हूं, आप ऐसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो बहुत इजी है, समझ जाएंगे। इधर लिख देता हूं बच्चों, कंडक्टर, इधर लिख देता हूं इंसुलेटर, और इधर लिख देता हूं हम लोग, इधर लिखता हूं इंसुलेटर, अच्छा रहेगा, इधर लिखता हूं इंसुलेटर, और इधर लिख देता हूं सेमी कंडक्टर, क्योंकि सेमी कंडक्टर इनके बीच में ही कहीं ना कहीं लाई करता है, तो बीच में इनको रहने देते हैं, है कि नहीं? बेचारा शरीफ आदमी। अब देखो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, जिस बच्चे को समझ में आ जाएगा वो आराम से बोलेगा कि सर हमको समझ में आ गया। ओ सॉरी, अब ये छोटा कर लेते हैं और यहां पे लाते हैं समझाने के लिए, बच्चों थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंसुलेटर के अंदर। ये जो इंसुलेटर के अंदर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है ईजी, वो क्या होता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, है ना। जब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाता, और जब नहीं पहुंच पाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा, ठीक। दूसरा हम बात करते हैं, कौन कौन बात करते हैं? सेमीकंडक्टर की बात। सेमीकंडक्टर में क्या होगा, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। ये जो एनर्जी गैप है, ये भाई साहब ये गैप हो जाएगा कम, ऐसे। यहां जो एनर्जी गैप था ईजी, ईजी ये क्या हो गया? लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब एनर्जी गैप कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा भी एनर्जी देंगे तो एक्साइट होकर के क्या होगा? कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। तो ये क्या हो गया? सेमीकंडक्टर हो गया। बताओ कितना टफ है, बहुत टफ है क्या फिगर? अब जल्दी से बताओ कंडक्टर के अंदर क्या होगा, जल्दी बोलो। कंडक्टर के अंदर क्या होगा बच्चों, जल्दी बोलो। कंडक्टर के अंदर होगा ये, होगा ये दोनों भाई साहब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे। इनको जरूरत ही नहीं एक्साइट कराने, करंट देंगे पास करेंगे, एक्साइट कराने की जरूरत है क्या? नहीं। इसमें जो एनर्जी गैप होता है वो कितना होता है? 0, कोई एनर्जी गैप होता ही नहीं। यहां पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे ऊपर क्या होता है? ओवरलैप होता है। 3 नंबर आपको देके चला गया है, क्वेश्चन दे दिया ना, कितना टफ था। आता है डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम, तो आप सिंपल सा फिगर बनाएंगे और बता देंगे इंसुलेटर के अंदर क्या होगा, जो एनर्जी गैप है क्या होता है? ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेमीकंडक्टर के अंदर लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कंडक्टर के अंदर कोई एनर्जी गैप होता ही नहीं है, क्या नहीं? उनको एक्साइट कराने की जरूरत है नहीं, करंट देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है।
ठीक है, तो बना लो बच्चों, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो पहले हेडिंग लिख लो बच्चों, पुराने जमाने वाला कंडक्टर का डेफिनेशन, सॉरी सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन लिख लो, तब आगे बढ़ता हूँ। हेडिंग लिख लो सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये अच्छा लगे देखने में। द सब्सटेंस हुज कंडक्टिविटी, द सब्सटेंस हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन, द सब्सटेंस हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन The substance whose conductivity lies between conductor and insulator, conductor and insulator is called semiconductor. Called semiconductor. Next heading लिख लीजिएगा बच्चों, difference between कंडक्टर सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। फिगर बना लो बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ऐसे लाइन खींच लीजिएगा, इधर लिखिएगा कंडक्टर के बारे में और इधर लिख लीजिएगा इंसुलेटर के बारे में, दोनों समझ में आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से बताओ बच्चों, पहला चलो चला जाए, बताओ कंडक्टर के बारे में, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता था तो रेजिस्टेंस बढ़ता था या घटता था, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बढ़ता था या घटता था, बढ़ेगा, बढ़ेगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, किसके लिए, कंडक्टर के लिए। इसका मतलब टेम्परेचर राइज करेंगे तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या होगा, राइज होगा, लेकिन नॉट इंसुलेटर, इधर हमें क्या लिखना था, सेमी कंडक्टर लिखना था, सॉरी इधर मुझे लिखना था सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर को हम लोग पढ़े ना। लेकिन इसमें क्या होता है, सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, उल्टा होता है, ठीक है, उल्टा। तो लिखो पहला कंडक्टर के केस में, द रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर increases, the resistance of metallic conductor increases with the rise of या with the increase in temperature, with the increase in temperature, semiconductor के अंदर लिख लेना आप लोग, the resistance of semiconductor decreases, the resistance of semiconductor decreases with the increase in temperature, with the increase in temperature, ठीक है। चलो अब देखते हैं फिर से कंडक्टर का केस याद करो, हो गया बच्चों वीडियो वालों। अब जो कंडक्टिविटी होता था याद है, व्हाट इज कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी है ना, जो कंडक्टिविटी होता था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता था टेम्परेचर, कंडक्टर के लिए। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता था वैसे वैसे उसकी कंडक्टिविटी क्या होती थी, घटती थी। लेकिन सेमी कंडक्टर में क्या होगा, उल्टा होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। बात समझ में आ गई, नोट कर लो। सेकेंड पॉइंट कंडक्टर के अंदर, द कंडक्टिविटी ऑफ मेटेलिक कंडक्टर, द कंडक्टिविटी ऑफ मेटेलिक कंडक्टर डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर,
डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. Decreases with the increase in temperature. Conductor के अंदर semiconductor के अंदर लिखिएगा. The conductivity of semiconductor. The conductivity of semiconductor increases with the increase in temperature. Increases with the increase in temperature. याद हो गया. मतलब क्या होता है, सेमीकंडक्टर के अंदर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी. कैसे बढ़ेगी सर, थोड़ा सा समझा देते तो बड़ा अच्छा होता. देखो समझो 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 समझो. देखो 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 समझ लो. समझाए वीडियो बच्चों बोले, ये लिख लिया ना पहले फॉर्मूला. चलिए अब देखो, जैसे जैसे मैं यहाँ टेम्परेचर दूंगा, देखो ध्यान से सुनो, जैसे जैसे मैं इसको हीट करूंगा, बताओ ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के यहां पहुंचना चाहेगा, तो इसकी कंडक्टिविटी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी ना, बढ़ रही होगी. इसका मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो उसकी कंडक्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है. ठीक है, सेमीकंडक्टर का ये सिंपल सा फंडा था. ये एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि टेम्परेचर राइज करेगा कंडक्टर का या इंसुलेटर का, तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा या कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में आने का चांस होता है. ठीक है, बोलो बच्चों, वीडियो वालों कोई तकलीफ कोई परेशानी, यस नो नो सर. अब बात करते हैं, वेरी गुड, अब हम लोग आगे बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कंडक्टर इंट्रिंसिक क्या होता है, ध्यान से सुनना. दो टाइप के सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे हम लोग बच्चों. एक होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड दूसरा इनके भाई होंगे, उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. दूसरा क्या होगा, EXTRENSIC, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, TRE नॉट TRI, यहां भी TRE, INTRIN, यहां तो सही था जी, यहां तो हम सही लिखे थे, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक. ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक देख करके उसकी भावनाओं में बह गए, है ना. चलो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर जिसके अंदर कोई इंप्यूरिटी नहीं हो, कोई इंप्यूरिटी नहीं मिलाई गई हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सॉरी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. गैया दूध दी एकदम प्योर प्योर, वो क्या कहलाएगा, इंट्रिंसिक. अब उस दूध में चार लोटा पानी मिला दिए, कुछ एक्स्ट्रा मिला ना, एक्स लगने का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा मिलाया, चार लोटा पानी मिला दिया कि बढ़ जाए दूध, होता नहीं से ज्यादा हो जाए, बिकेगा तो नहीं से ज्यादा पैसा मिलेगा, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इसका मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम क्या कर रहे हैं, कुछ इंप्यूरिटी ऐड कर रहे हैं, है ना, सुटेबल इंप्यूरिटी ऐड करते हैं. दो टाइप की इंप्यूरिटी भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी एटम एंड दूसरा होता है पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी एटम. क्यों ऐड करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, सब कुछ बताएंगे, पढ़ेगा नहीं. ठीक है, तो अगर कुछ इंप्यूरिटी ऐड कर दिया गया किसी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर, कुछ इंप्यूरिटी ऐड कर दिया गया, तो ऐसे सेमीकंडक्टर को क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इंप्यूरिटी ऐड क्यों करते हैं जानते हो आप लोग, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने की. इंप्यूरिटी क्यों ऐड करते हैं, कि वो बहुत हद तक कंडक्टर के करीब आ जाए, है ना, रहे तो सेमी कंडक्टर लेकिन उसका एनर्जी गैप और कम हो जाए, कंडक्टर की तरह बिहेव, थोड़ा सा भी हीट दे तुरंत इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए, है कि नहीं, जब चाहे तो करंट फ्लो करा ले, जब चाहे तो करंट हटा दे, तो इस वजह से इसके अंदर लोग सुटेबल इंप्यूरिटी ऐड करते. और शायद आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इंप्यूरिटी टू अ प्योर सेमीकंडक्टर इज नोन एज डोपिंग. अगर किसी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर हम
इंप्यूरिटी, सुटेबल इंप्यूरिटी ऐड करते हैं इस प्रोसेस को, क्या बोलते हैं? डोपिंग। डोपिंग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? पहली बार नाम सुने हो? बहुत बार केमिस्ट्री में पूरा सेमीकंडक्टर कहीं आया था? नहीं आया था। वाह गुड, शाबाश, जरूर आया होगा, 100% आएगा। ध्यान से सुनिए फिर से, प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर अगर हम इंप्यूरिटी ऐड करते हैं इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डोपिंग। क्या कहते हैं? डोपिंग। और जिस सेमीकंडक्टर के अंदर ऐड कर दिया गया उसको बोलते हैं, ऐड होने के बाद नया सेमीकंडक्टर का नाम हो जाता है डोप्ड सेमीकंडक्टर, उसको बोलते हैं डोप्ड। डोप्ड मतलब इसके अंदर इंप्यूरिटी मिला दी गई है। अब बल्टा वाले से दूध लोगे तो बताओ डोप्ड मिल्क होगा या प्योर मिल्क होगा? डोप्ड, क्योंकि उसके अंदर सुटेबल इंप्यूरिटी मिला दिया जाता है। शायद आप लोग तो जानते भी नहीं होंगे, उसके अंदर बेस थोड़ा सा मिला दिया जाता है कि दूध जल्दी फटे ना, खट्टा ना हो। जैसे जिन लोगों दूध गाजीपुर से बनारस ले जाके बेचते हैं, पलटा वाले मान लो कुछ लेके जाते हैं बेचने के लिए, दूध फटने जाकर उतना दूर जाते जाते, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे दूध, आप लोग पढ़े होंगे शायद जानते भी होंगे, जैसे जैसे दूध थोड़ा समय लगता है वो धीरे धीरे खट्टा होने लगता है, खट्टा होने के बाद फट जाता है, देखा ना, खट्टा होने के बाद फट जाता है। लेकिन उसके अंदर बेस मिला देंगे तो खट्टा नहीं होगा, थोड़ा सा समय लेता है खट्टा होने में और कुछ लंबे समय तक चल जाता है। जैसे आप देखा होगा पॉस्चराइज मिल्क आजकल आ रहा है, वो हम नाम नहीं लेंगे यूट्यूब में है ना, वो जो पैकेट वाला दूध आ रहा है आजकल, समझ गया ना भावनाओं को, उसके अंदर क्या कहते हैं कुछ सुटेबल केमिकल्स जिसको हम बोलेंगे मिला दिया जाता है, जिसकी वजह से पॉस्चराइज कर जाता है कि लंबे समय तक आपके पास चल जाता है। वैसा उस टाइप के दूध को पीना नहीं चाहिए, पॉस्चराइज रहता है तो बहुत रेयरली जरूरत पड़े तभी पीजिए, हाँ ऐसे नहीं पीजिए। नहीं कुछ लोग होते हैं फैशन में कि भाई हमारे यहाँ दूध तो नहीं मिल रही है, चलो इसी को पी लिया जाए, वो प्योर प्योर कह रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए लिखते हैं हेडिंग, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। हेडिंग लिखिएगा बच्चों, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। इसके अंदर पहला इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अ प्योर सेमीकंडक्टर, a pure semiconductor which is free from every impurity, which is free from every impurity is called intrinsic semiconductor. Yes, sir. Which is free from every impurity is called intrinsic semiconductor. Which is free from every impurity, impurities is called pure semiconductor. No, sorry, is called intrinsic semiconductor. No, पागल कर दोगे तुम। क्या हो गया? Is called intrinsic semiconductor. Next heading, extrinsic semiconductor. Next heading, extrinsic semiconductor. चलिए लिखिए extrinsic semiconductor. लिखा जाए? लिखिए. When a suitable impurity is, when a suitable impurity is added to a pure semiconductor, when suitable impurity is added to a pure semiconductor to increase its conductivity, to increase its conductivity is called extrinsic semiconductor. It's called extrinsic semiconductor. नीचे नोट लिख लीजिएगा. The process of addition of the process of addition of suitable impurities, the process of addition of suitable impurity to a pure semiconductor is called, to a pure semiconductor is called doping. The process of addition of suitable impurity to a pure semiconductor is called doping.
DOPING डोपिंग, DOPING डोपिंग। अब थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, घबराना नहीं, कष्टम परम सुखम, कष्ट में परम सुख होता है। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान देते, बस लास्ट 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 ध्यान दो। ये है मेरे पास सेमीकंडक्टर, ये कितने टाइप्स के हुए हैं बोलो बच्चों? दो टाइप्स के हुए हैं। कौन कौन से? इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ऐसे बना लेते हैं, ये हो गए हमारे पास दो टाइप के, टाइप नंबर वन एंड टाइप नंबर टू। ये हो गया इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर और ये हो गया एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। ठीक है, अब कल हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर है बच्चों, ये भी दो टाइप्स के होते हैं फर्दर, ये भी दो टाइप्स के होते हैं, टाइप वन एंड टाइप टू। एक टाइप को हम बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे हम लोग? पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक के दो पार्ट, और कल का क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल हम लोग पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, बहुत खतरनाक कहानी है, और कल अगर आप एब्सेंट कर गए तो समझो ये चैप्टर कभी आपको समझ में नहीं आएगा, तो कल कोई एब्सेंट नहीं करेगा।